wonderful relationship. And the event is the happy marriage anniversary of Amar Prabhu and Sakshi Mataji. So, being a sannyasi with no bank account and no Lakshmi also, so I can only give some wisdom, which if all of you feel it can be helpful in your life, then you can accept it. Okay, Hare Krishna. So, हम सबके जीवन में कोई ना कोई प्रिय है. हमारे सबके जीवन में कोई ना कोई प्रिय है. और जिस भी प्रिय वस्तु को प्रेम ज्ञापन करने के लिए, in order to express love to those whom we love, we need these four sutras. Okay, so this is an acronym which I hope all of you remember by the end of the class. So this acronym starts with Dear, D, E, A and R. Okay, so it will help us to really make very good relationship with our dear and loved ones. Okay, so all of you are ready? Yes. So we have four statements for this four acronym. So starting with D. Generally, why do people have relationships? Rishta kyun nibhate hain? To share what? Our feelings. To share our feelings. To see happiness. So one Hari Bol for Sanchita Mata. Hari Bol. So slowly. Hari Bol. Hari Bol. Yes, one big Hari Bol for Sanchita. One big Hari Bol for Hari Bol. Hari Bol. So to seek happiness. Whatever we want to do in life, we want to seek happiness. एंड रिश्ता हम निभाते हैं आनंद के लिए. इसीलिए आनंद जब रिश्ता से नहीं मिलता है तो रिश्ता निभाना बहुत कठिन मुश्किल हो जाता है. बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम सब वेदांत सूत्र व्यासदेव बहुत सारे चीजें लिखे, महाभारत लिखे, रामायण लिखे, वेदास लिखे, फिर सब कुछ लिखने के बाद सोचने लग गए इसको पढ़ेगा कौन. सब तो आईटी प्रोफेशनल्स रहेंगे कलयुग में और वो आपको बोलेंगे कि नहाने के लिए समय नहीं है, खाने के लिए समय नहीं है, मैं महाभारत रामायण क्या पढ़ूंगा. नहीं कि नहीं, इतना टाइट स्केड्यूल में तो कोई पढ़ने वाला नहीं है. तो इसीलिए व्यासदेव ने सारे वेद पुराण का सब कुछ का सारांश को वेदांत सूत्र में उसको लिखा. वेदांत सूत्र मतलब वेद अंत सूत्र, सूत्र समझते हैं, फॉर्मूलास. वेद के अंत में जो फॉर्मूलास है वेदांत सूत्र, उसमें एक सूत्र है आनंदमयो अभ्यासात, कि हमारा अभ्यास हर वक्त ये रहता है कि कैसे आनंद हमको मिले. जैसे बच्ची इधर कर रहा है, उधर कर रहा है, उधर कर रहा है, because he's finding some happiness. We cannot understand what happiness he finding, but he is finding some happiness to go here, there and get some attention of people. So yes. So but हम रिश्ता निभाते हैं आनंद के लिए. जसरीन वेरी ग्रेटफुल टू यू टू सिट डाउन. Anna is laughing,
Yes. So, the first and most important principle, कि क्यों आनंद हमको रिश्ता से नहीं मिलता है, is you have to write a statement कि happiness is a byproduct and not a product. हमको लगता है आनंद is a product, उसको खरीदा जा सकता है, बट आनंद प्रोडक्ट नहीं है, वो बाय प्रोडक्ट है. जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर स्पेंसर्स में जाएंगे और दिखाई देगा आपको कि वन कुछ भी सामान का बात कीजिए जो भी बहुत फेमस है आजकल, एनी आइटम, हिमसागर आम एक किलो हिमसागर आम एक किलो हिम सागर आम फ्री मिल रहा है 2 किलो चीनी के साथ. आप बोलेंगे मेरे को एक किलो हिम सागर ऐसे चाहिए, वो देगा क्या फ्री का माल? नहीं. वो क्या बोलेगा? पहले आप चीनी खरीदेंगे तो हिम सागर आम मिलेगा. तो उसी तरह आनंद फ्री का प्रोडक्ट है. आनंद प्रोडक्ट नहीं है. लाइफ का शॉपिंग मॉल में हैप्पीनेस नामक कुछ प्रोडक्ट नहीं है, तो उसको आप खरीद नहीं सकते ना. वो लाइफ का जो रिटेल आउटलेट है उसमें हैप्पीनेस का काउंटर नहीं है, उसमें बाकी सब प्रोडक्ट्स है. किस किस प्रोडक्ट के साथ हैप्पीनेस फ्री आइटम मिलता है और किस किस प्रोडक्ट के साथ मिजरी फ्री आइटम मिलता है, अभी आपको चुनना है कि आपको क्या खरीदना है. उस चीज के साथ हैप्पीनेस जुड़ा हुआ है या मिजरी जुड़ा हुआ है, चुनाव आप करेंगे. बट हैप्पीनेस इज नॉट ए प्रोडक्ट, इट्स ए बाय प्रोडक्ट, इट्स ए फ्री प्रोडक्ट, इट्स ए जस्ट वेट जाओ चुपचाप. रिश्ता निभाते समय हम सब क्या सोचते हैं कि मेरा राइट क्या है. हस्बैंड क्या बोलता है, मेरा राइट क्या है वाइफ से, एंड वाइफ क्या बोलती है, What are my rights from my husband? मेरे ससुर जी से क्या rights है, मेरे सांस से मेरे को क्या rights मिलेगा, मेरे बेटों से क्या मिलेगा, मेरे बेटियों से क्या मिलेगा. तो जब तक रिश्ता निभाते समय हम अपना rights के पीछे भागेंगे और तब तक हम happiness उपभोग नहीं कर पाएंगे. When we focus on our responsibilities, then only we can get as a byproduct of our life, that is happiness. इसीलिए we see in today's world love at first sight and divorce at first fight. Until and unless a relationship is based on dedication, there will be no happiness in that relationship. Whether it is husband and wife, whether it is mother and son or daughter, or brother and sister, brothers and brothers, any relationship can only encash happiness provided we purchase dedication in that relationship. So if you purchase dedication in that relationship, then only we can experience happiness. And ये हम देखते हैं रामायण में, महाभारत में, सब जगह. रामायण में लॉर्ड राम वेंट थ्रू सच थिंग्स, एंड जब कैकेयी, अभी हम चित्रकूट जाएंगे इस साल, हम जाएंगे उस जगह पे जहां पे भरत
मिलाप हुआ था, भरत आए थे राम जी से मिलने के लिए, तो कैकेयी भी आए थे, कौशल्या भी आए थे, और रामचंद्र कैसे बिहेव करते हैं, हाउ ही इज बिहेविंग विद कैकेयी, सो दैट सी डजंट फील दैट सी इज द कॉज ऑफ हिज ऑफ लॉर्ड राम कमिंग हियर टू द फॉरेस्ट, बिकॉज़ लॉर्ड राम न्यू दैट हाउ मच pain Kaikeyi would be going through because of what had happened. Lakshman 14 saal tak ek muhurt bhi soye nahi the, he had not slept for one moment in those 14 years. Jab Hare Krishna, जब कुछ बानरों ने जब रावण अपहरण कर रहा था सीता महारानी को, तो सीता महारानी ने कुछ अलंकार अपना डाल दिया था और उस अलंकार को कुछ बंदरों में पैक कर दिया था और सुग्रीव को आके दिया था, और सुग्रीव को जब दिया था वो अलंकार सब कुछ, सुग्रीव ने फिर रामचंद्र को दिखाया, क्या यही अलंकार है सीता माता का? तो रामचंद्र भाव विहोल होके he started crying and yes 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 करके just to confirm and reconfirm, he is showing it to लक्ष्मण कि लक्ष्मण देख तो ये तो तुम्हारा भाभी का है ना, ये तो तुम्हारा भाभी का है ना. तो लक्ष्मण starts crying telling this famous verse in रामायण, आप सबको पता है, नाहं जानाति कंगणे, नाहं जानाति कंगणे, नाहं जानाति केयूरे, नाहं जानाति केयूरे, कंकणे नाभि जानाति, कंकणे नाभि जानाति, सीता पादाभि वंदनम, सीता पादाभि वंदनम, नाहं जानाति कंगणे, मैं ना कंगण जानता हूं, ना मैं कंकण जानता हूं, ना मैं केयूर जानता हूं, क्योंकि मैं सीता महारानी का पैर से ऊपर कभी देखा ही नहीं 14 साल. तो दिस इज लक्ष्मण's डेडिकेशन फॉर 14 इयर्स. भरत महाराज सोचने लगे कि मैं अगर राज्य में रहूंगा तो कैसे राज्य में रह पाऊंगा. तो भरत महाराज राज्य में भगवान श्री राम का कठोर रखते थे और राज्य के बाहर नंदीग्राम में वो कुटिया में रहते थे, पर ये सोच के कि रामचंद्र तो नीचे सो रहे हैं तो मैं कैसे ऊपर सोऊं, इसीलिए 10 फुट का एक गड्ढा खोद के उसके नीचे सोते थे, और रामचंद्र तो फल खा रहे हैं तो मैं कैसे फल खाऊं, इसीलिए मैं गाय मूत्र गोमूत्र और चना ये खा रहे थे 14 साल भरत महाराज. तो ये दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ लॉर्ड इन रामायण. ही सोच दैट जब तक हम हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ डेडिकेशन निभाएंगे नहीं, तब तक हमको जीवन में आनंद मिलेगा नहीं, क्योंकि जीवन का रिटेल आउटलेट में आनंद रूपी कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है. आप उसको कभी नहीं खरीद सकते हैं. आपके पास करोड़ है, लाख है, कितना भी मिलियन डॉलर्स है, प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेंगे कैसे. मान लीजिए अमेज़न में आप सर्च करते हैं हाउ बिलाव, मिलेगा क्या? मिलेगा कृष्ण हाउ वी लव रिसर्च इन अमेज़न मिलेगा है ही नहीं. उसी तरह जीवन का रिटेल आउटलेट में अगर आप डालेंगे हैप्पीनेस, प्रोडक्ट ही नहीं, बिकॉज इट इज ओनली सोल्ड एज ए बाय प्रोडक्ट, एंड बाय प्रोडक्ट ऑफ डेडिकेशन. सो हैप्पीनेस इज नॉट ए प्रोडक्ट, it is a byproduct of D. So the first D is
dedication. And as an example, जब युधिष्ठिर महाराज सारे यक्ष, आपको यक्ष प्रसंग पता है महाभारत में? How many of you know यक्ष story in महाभारत? Very less, huh? So sometimes we should have class on महाभारत also maybe. So wait your turn. So एक यक्ष सारे पांडवों को अर्जुन भीम नकुल सहदेव सबको पानी में थोड़ा विष हो गया था उसको पीके सारे पांडव बेहोश हो गए थे और यक्ष प्रश्न पूछ रहा है युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारा प्रश्न पूछ रहा है और सब प्रश्नों का बहुत अच्छे से बेहतरीन आंसर दिए युधिष्ठिर महाराज और इतना यक्ष खुश हो गया कि यक्ष अंत में प्रश्न पूछता है युधिष्ठिर महाराज को अब आपके चार भाई मरे हुए हैं उसमें से आपको एक जन को चुनना है जिनको आपको बोलना है कि he can only come out तो वो कौन है किसको आप चूज करेंगे आपके चार भाई हैं अर्जुन है भीम है और नकुल है सहदेव है किसको आप चयन करेंगे who will be out and others will die Jasreen will you keep quiet किसको आप चूज करेंगे तो जनरली क्योंकि युद्ध तो होने वाला था युधिष्ठिर किसको चूज कर सकते हैं अर्जुन भीम बट whom did he choose सहदेव और नकुल में से क्यों मैं एक जिंदा हूँ कुंती महारानी कुंती क्या मेरे माता का तो माद्री जी का भी एक बेटा जिंदा होना चाहिए तो दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन दिस इज कॉल्ड पुटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर राइट्स जब तक हम चिल्लाते रहेंगे हमारे रिलेशनशिप में दिस इज माय राइट दैट इज माय राइट विल नेवर एक्सपीरियंस एनी हैप्पीनेस जब तक बेटा बेटी चिल्लाते रहेंगे मामा दिस इज माय राइट मामा बोलते रहेंगे दिस इज माय राइट कि यू शुड रीड एंड बेटा बेटी बोलेंगे दिस इज माय राइट दैट यू शुड डू दिस विल नेवर बी एबल टू एक्सपीरियंस एनी हैप्पीनेस इन आवर लाइफ ओनली व्हेन एवरीवन In each relationship, whether we are husband, wife, mother, father, children, son, daughter, we take our responsibility seriously, we'll be able to experience happiness. So the first principle to experience happiness among our loved ones is the dedication. So we will recite one sloka about dedication. Okay. So this sloka is very nice. So all of you repeat after me. I don't know how many of you know this. It is very famous in childhood. It is recited. Okay. Let us see how many of you know this. Pivanti nadya. Pivanti nadya. Swayameva nambha. Swayameva nambha. No, no. Who don't know this? School में था ये हमारे school में होता है। हाँ, पिवंति नद्या स्वयमेव नम्भा पिवंति नद्या स्वयमेव नम्भा पिवंति नद्या स्वयमेव नम्भा पिवंति नद्या स्वयमेव नम्भा स्वयं न खादन् फलानि वृक्षः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यान् नादन्ति सस्यान्
खलु बारी बाह नादन्ति सस्यान् खलु बारी बाह परोपकाराय सतां विभूतया saint or being able to maintain good relationships is that when we live a life based on our responsibilities and the rights will automatically come. If we live a life based on our responsibilities, the rights will automatically get fulfilled. उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. बट इफ यू लिव अ लाइफ ऑफ डिमांड फॉर राइट्स, यू विल नेवर फाइंड एनी हैप्पीनेस इन लाइफ. एंड दैट इज द जेन नेक्स्ट सिविलाइजेशन हैज एवरीथिंग इन लाइफ बट नो हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप्स. यस, यू हैव सीन. There is no happiness in relationships. Families are breaking apart. Why? Because people in families are more interested about their rights than about their responsibilities. So the first is D, dedication. So second is E. E is Experience. The most important aspect of maintaining very good relationship is how and what experience we give with whom we are relating. People will not remember what you spoke to them, what you said to them, what you did to them, but they will definitely remember how you made them feel. Yes. In whatever you do. So for people, justifications have no value. Experience is the reality. आप कितना भी justify किए, sorry, ऐसे मैं सोचा था, वैसे मैं सोचा था. बट वॉट एक्सपीरियंस आप दे रहे हैं लोगों को अपने बर्ताव से. हाउ यू आर बिहेविंग, वॉट एक्सपीरियंस यू आर गिविंग इज वॉट पीपल विल कंसिडर इट एज रियालिटी. यू मे हैव मोस्ट बेस्ट ऑफ इंटेंशन इन योर लाइफ, सबसे अच्छा इंटेंशन है आपके हार्ट में, बट अगर आप उसको सही एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहे हैं तो क्या बोलेगा? Hare Krishna, thank you very much, but I really am frustrated with you. Yes? So it's very important that we package our dedication with good experience. Product is dedication. Imagine you forget the product and only package it with good experience. तो फिर जैसे गिफ्ट आता है ना कभी कभी अप्रैल फूल्स डे में, कोई अगर गिफ्ट देता है उसको खोलिए मत. जैसे खोलेंगे उसके अंदर और एक डब्बा, फिर खोलेंगे और एक डब्बा, फिर खोलेंगे और एक डब्बा, फाइनली कुछ नहीं है. सो द प्रोडक्ट इज डेडिकेशन, बट वी नीड टू पैकेज इट विथ गुड एक्सपीरियंस. आई मे बी फुल्ली डेडिकेटेड टू माई वाइफ एंड हस्बैंड, बट इफ माई टंग, this tongue is so horrible, it has no bones. Kiska haddi hai kya? Jawan mein kiska haddi hai? Huh? Haddi hai? But it can break all the 206 bones of the living entity. You understand? You have expressed it? So we have to be very careful about that. If we don't know how to utilize our tongue,
no matter how dedicated you may be in your relationship, no one will even think about your dedication because you have broken their hearts. So it's very, very important that we package our dedication with wonderful experience. In 11th canto भागवत के एकादश स्कंद में एक बहुत ही सुंदर उपाख्यान आता है. उद्धव जी भगवान को मिलने जाते हैं और भगवान को जब मिलने जाते हैं भगवान बोलते हैं कि मेरा जाने का समय आ गया है, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं. तो उस समय भगवान उद्धव जी को एक ब्राह्मण के बारे में बताते हैं जो रहता है जंगलों में, और यदु नामक एक राजा उस ब्राह्मण को जो मिलते हैं तो ब्राह्मण 24 गुरुओं के बारे में बताता है. उसमें से ब्राह्मण बताता है एक गुरु है इस जंगल के बस पास में ही, एक जंगल एक कुटिया है, उस कुटिया में एक छोटी सी बच्ची रहती है, मे बी लाइक नैनिका और मे बी मोर एल्डर देन नैनिका, वो एक बच्ची रहती है और उस बच्ची से मैं बहुत कुछ सीखा हूं. तो यदु महाराज पूछते हैं कि आपने वो बच्ची से क्या सीखा ना. बच्ची के पास बहुत सारा बैंगल्स चूड़ियां रहती है और वो सब पूरा हाथ ऐसे, क्योंकि उसके माता पिता ने बहुत सारे चूड़ियां दिए थे और वो पहनती है. और माता और पिता दोनों सुबह सुबह चले जाते हैं कुछ काम में, कोई लकड़ी कलेक्ट करता है, कुछ करता है, और ये बच्ची दिन भर माता पिताओं को सहाय्य करने के लिए कुछ घर का काम करती है. और क्योंकि वो घर का काम करती है, घर का काम अगर चूड़ी पहन के करेंगे सारे माताओं को ये अनुभूति होगा तो क्या होता है, आवाज होता है. तो अवधूत ब्राह्मण बोलते हैं यदु महाराज को कि उसका आवाज निकलता है, इससे बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिलता है. तो यदु महाराज बोले तो आवाज तो कॉमन है. देखिए भागवत ऐसा एक महापुराण है कि बहुत सारा कॉमन चीजों से बहुत सारा महत्वपूर्ण लाइफ जीवन का लेसन्स निकाल सकते हैं. तो यदु महाराज को वो अवधूत ब्राह्मण बताते हैं कि ये सारा चूड़ियां जब पहन के वो लड़की काम करती है तो सारा चूड़ियां आवाज करने लगती हैं. तो उसी तरह जब एक साथ लोग रहते हैं तो आवाज अनिवार्य है. When we stay together, थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे क्या है, अनिवार्य है. जैसे हस्बैंड एंड वाइफ स्टे टुगेदर, ब्रदर ब्रदर स्टे टुगेदर, ब्रदर सिस्टर स्टे टुगेदर, आवाज निकलना अनिवार्य है. Now we have a choice. चूड़ियों को निकाल दो तो हाथ कैसे दिखेगा, श्री निताय दास की तरह सुंदर दिख रहा है. माता है जिसके पास चूड़ी है हाथ उठाइए, कोई तो देखिए किसका हाथ सुंदर दिख रहा है, हैं? तो अभी आपके पास ऑप्शन है शांति और सौंदर्यता. तो ये है शांति, फीका एक कलर का शांति और वो है सौंदर्यता. एक साथ रहने का जो सौंदर्यता है वो शांति से नहीं मिल सकता है, पर एक साथ रहने में वो सौंदर्यता को उपभोग करने के लिए थोड़ा आवाज टॉलरेट करना पड़ेगा. ये अवधूत ब्राह्मण बताते हैं कि ये मैंने सीखा कि हाथ को चूड़ियों से निकाल देंगे तो हाथ खाली हो जाएगा, तो सौंदर्यहीन हो जाएगा हाथ, पर शांति बहुत होगा. ठीक है, नहीं शांति नहीं चाहिए.
शांति नहीं चाहिए क्योंकि साक्षी ऑलरेडी है, शांति फिर और एक शांति नहीं चाहिए, साक्षी है। तो लोग बोलते हैं कंगाल से अच्छा जंजाल। हाँ, कंगाल से अच्छा जंजाल। तो इस तरह तो अवधूत ब्राह्मण बताते हैं कि शांति से अच्छा सौंदर्य है, सौंदर्य को उपभोग करने के लिए, उस आनंद को सौंदर्यता का उपभोग करने के लिए हमको एक साथ रहना पड़ेगा, और एक साथ रहने के लिए एक चीज हमको करना पड़ेगा जो है आवाज, उसको उसको आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे तो एक साथ नहीं रह पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज सेकंड एक्सपीरियंस। सो बिफोर आवर परसेप्शन वी हैव ए टेंडेंसी इन रिलेशनशिप टू लेबल डाउन वन पर्सन, कि मेरा वाइफ ऐसा ही है, मेरे हस्बैंड ऐसे ही है, मेरा बेटा ऐसे ही है, लेजी है, नालायक है, कुछ करेगा नहीं। तो वी हैव ए टेंडेंसी टू use our perceptions to label a person. So perceptions से conclusion बनाने से पहले हमको discussion करना चाहिए. Before our perceptions become conclusion, we should have discussion. कि what is the reason for his or her behavior like this? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपना डेडिकेशन को एक्सपीरियंस के साथ प्रैक्टिस करें, और ये जान के चलें कि अगर एक साथ रहना है, उस आनंद को उपभोग करना है, तो हमको आवाज को थोड़ा सहन करना पड़ेगा। सो दिस इज ई, दैट इज एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज ए, ए इज is awareness, affection, is ये A, ये करेंसी है, this is currency of relationship, this is the currency। आप अगर रिश्ता में धनवान बनना चाहते हैं, हरे कृष्णा, अगर आप रिश्तों में धनवान बनना चाहते हैं, तो आपको जैसे धन के लिए आपको करेंसी चाहिए ना, डॉलर्स, डॉलर्स पाउंड, तो उसी तरह रिलेशनशिप का करेंसी है ये ए, अप्रिशिएशन। वन हरि बोल फॉर सबके सारे गुरु, हरि बोल, हरि बोल, दिस इज अप्रिशिएशन। ये है करेंसी, ये है पैसा, ये है धन। अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं अपना रिलेशनशिप में, तो आप बहुत ही गरीब हैं आपके रिश्ता में। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वी अप्रिशिएट। जनरली हम क्या, कब, जब खाना अच्छा बनता है देन हस्बैंड कुछ बोलते हैं। कब मुंह खुलता है? जब खराब बना है। सबको पता है। जब दिवाली में इतना दिवाली गया, किस दिवाली में सोने का लॉकेट मिला, कौन से दिवाली में प्लैटिनम इयररिंग मिला, ठीक है, क्या है, ये तो आपका फर्ज बनता है मेरे कुछ देने के लिए। पर इस दिवाली में कुछ नहीं मिला। तो क्या किया आपने? तो आर वी सफिशिएंटली अप्रिशिएटिंग पीपल हु वी आर लविंग? गौड़िया मठ में श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उनके इधर बाग बाजार, बाग बाजार जानते हैं, एक जगह है कलकत्ता में, उधर एक गौड़िया मठ है। उस गौड़िया मठ में एक रसोई करता रहता था, कुक। वो कुक ऐसे आदमी था कि सब उससे परेशान रहते थे, वो सबको परेशान करके रखता था। और जब वो कुक मर गया, उसका देहांत हो गया,
पूरा मठ में सारे लोग त्योहार मनाए, पृथ्वी शांत हो गया, वो क्या? और सब लोग बोलते थे, अरे मेरे को ऐसे परेशान किया, वो बोला कि ये परेशान किया, वो बोला ये परेशान किया। फिर जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सुना कि ऐसे बातचीत चल रहा है मठ में, आके वो बोले कि वो बहुत बड़ा वैष्णव था, तो सारे मठ निवासी बोलने लगे काहे का वैष्णव था वो, कितना अच्छा धोती पहनता था वो, आपने देखा नहीं? This is called appreciation. अगर एक दो तरीके के उड़ता हुआ होता है, एक है मधुमक्खी और एक है मक्खी, ये भागवत बताता है, तो मेरे को भागवत के एनालिसिस में बता रहा हूं। तो मक्खी को अगर आप एनबीसीसी का पूरा गार्डन दे दीजिए, उसमें बहुत सारा फूल खिला है, मक्खी घूम घूम के कहां पे गटर वाटर लीक हो रहा है, काला काला पानी आ रहा है, उसे सेवाल आ गया है, उसके ऊपर बैठेगा और इट विल स्टार्ट सकिंग द सकुलेंट गटर वाटर ऑफ एनबीसीसी। बहुत टेस्टी है ना, काला पानी पूरा गटर पानी। और मधुमक्खी को आप अगर पूरा गटर का गार्बेज बिन दे दीजिए और उसके अंदर एक छोटा सा फूल निकला हुआ है, वो कहां बैठेगा? फूल के ऊपर। इसलिए आप सब रिपीट कीजिए, दोहराइए, एक बहुत ही सुंदर श्लोक, नानु द्वेष्टि कलिम सम्राट, नानु द्वेष्टि कलिम सम्राट, सारंगा इव सारभ, सारंगा इव सारभ। सो नानु द्वेष्टि, यू गेट इट, नानु द्वेष्टि कलिम सम्राट। परीक्षित महाराज ने कली को मारने का शक्ति परीक्षित महाराज के पास था, फिर भी कली को मारा नहीं, क्योंकि कलयुग में भी परीक्षित महाराज ने अच्छा गुण देखा, क्योंकि परीक्षित महाराज को भागवत में कैसे बताया गया है, सारंग मतलब सारग्राही, the essence seeker। अगर हमको appreciate करना है, इस दुनिया में कोई भी perfect नहीं है। मेरे एक अंकल थे, अभी भी हैं, उनका बहुत दिन से शादी नहीं हो रहा था, और मेरे को doubt लगा था क्यों शादी नहीं हो रहा है। मैं एक बार मम्मी को पूछा क्यों शादी नहीं हो रहा, मम्मी ने बोला अरे ब्रह्मा जब एक लड़की बनाएंगे उस लड़की को ही शादी कर सकते हैं, वो ब्रह्मा ने अभी तक बनाया नहीं है, और जब ब्रह्मा बना के उधर से एक्सपोर्ट करेंगे सिर्फ होगा, इधर से वो इंपोर्ट करके शादी करेंगे। समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड That इस दुनिया में एक ही परफेक्ट पर्सन है, कौन है वो? कृष्णा। एंड वी आर ऑल इम्परफेक्ट, एंड द सर्च फॉर परफेक्शन कैन ओनली एंड, एंड इट हैज ओनली वन डेस्टिनेशन, दैट इज कृष्णा। वी आर ऑल इम्परफेक्ट बट वी हैव सर्टन अमाउंट ऑफ परफेक्शंस। अच्छा चीज दूसरों में देखो, इस आंख में चश्मा लगा है फॉल्ट फाइंडिंग का, किसका? दूसरों का दोष देखने का चश्मा हम पहने हुए हैं, और उस चश्मा से कुछ भी रिश्ता निभाया नहीं जा सकता है। रिश्ता निभाने के लिए वो चश्मा हटा के प्रशंसा का चश्मा लगाइए। प्रशंसा का जब चश्मा लगाएंगे तब सब आनंद ही आनंद दिखेगा, नहीं तो
सब में दुर्गुणी दिखेगा। मक्खी मध बनिए, मधुमक्खी बनिए, बिकम ए सारंग, एसेंस सीकर। देखिए हनुमान जी, जब हनुमान जी ढूंढने गए थे सीता महारानी को, रावण के नगरी में घुस रहे थे, लंका में रावण का जो प्रसाद है हनुमान जी उसके अंदर प्रवेश किए, और बहुत सारे महिलाएं रात में ऐसे सोई हुई थी, और हनुमान जी सोच रहे थे कहां है, कौन है, कहां में आ गया। तो फाइनली हनुमान जी जब पहुंचे, रावण जब सोया हुआ था, देखे पहला चीज आप गेस कीजिए हनुमान जी क्या सोचे होंगे। फर्स्ट टाइम ही इज मीटिंग रावण इन हिज लाइफ विथ सो मेनी लेडीज इन द नाइट। किसी के दिमाग में क्या सोच आएगा उस व्यक्ति के लिए। ऐसे गंदा आदमी, यस हनुमान जी सोचते हैं ये आदमी अगर भगवान रामचंद्र का भक्त बन जाए सारा विश्व को परिवर्तन कर सकता है, पर क्या करे ये अपना काम के वश में। तो हनुमान जी ने रावण में भी अच्छा गुण देखा कि ये अगर इतना शक्तिशाली व्यक्ति अगर भगवान का भक्त बन जाए दुनिया को परिवर्तन कर सकता है। तो अगर हनुमान जी रावण में अच्छा गुण देख सकते हैं, प्रहलाद अगर हिरण्यकशिपु में अच्छा गुण देख सकता है, तो हम क्या अपने पति और पत्नी में अच्छा गुण नहीं देख सकते हैं? हम क्या अपने बच्चों में अच्छा गुण नहीं देख सकते हैं? हम क्या अपने दोस्तों में अच्छा गुण नहीं देख सकते हैं? हम क्या अपने नेवर्स पड़ोसियों में अच्छा गुण नहीं देख सकते हैं? बोलिए आप सब, देख सकते हैं पर देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि चश्मा का प्रॉब्लम है, चश्मा उतारना पड़ेगा, प्रशंसा का चश्मा पहनना पड़ेगा। सो दिस इज ए, दैट इज अप्रिशिएशन, एंड लास्ट इज आर। आर स्टैंड्स फॉर रेसिप्रोकेशन, आर स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप, आर स्टैंड्स फॉर रेस्पेक्ट, आर स्टैंड्स फॉर रिमेम्बर। सो आर स्टैंड्स फॉर रिमेम्बर, नो मैटर हाउ मच एवर यू फॉलो डी डेडिकेशन, हाउ मच एवर यू पैकेज द डेडिकेशन विद वंडरफुल एक्सपीरियंस, how much ever you appreciate, still there will be some problems in the relationship, and there will be always some trying times in the relationship, and in order to go through these trying times we need to remember our nice times. Every relationship will go through some bad experience, some ups and some downs. In down situation we can continue having relationship only when we remember the good times. By remembering good we will not regret later. Sometimes when relationship goes through trying times, you know what is the definition of love? One of our Acharya Rupa Goswami has given the definition of love. Just imagine, guess, kya ho sakta hai definition of love? Prem ka paribhasa unhone diya hai. Aap sab guess kijiye. Sir without expectation. Prem ka paribhasa Rupa Goswami ne diya hai. And Rupa Goswami kaun hai? Ye राधा रानी के प्रमुख सखी असिस्टेंट है ललिता सखी, ललिता सखी का प्रमुख असिस्टेंट है रूपमंजरी।
see is Rupa Goswami. Rupa Goswami is giving definition of love. आप सब थोड़ा guess मारिए, देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं वहां तक. सर विदाउट एक्सपेक्टेशन प्रभु जी बोल रहे हैं. और कोई अपने से ज्यादा अगर किसी का अच्छा चाहे रूप गोस्वामी गिव्स द डेफिनेशन ऑफ लव. वेरी इंटरेस्टिंग. आप सब सोचिए इसके बारे में थोड़ा. आज रात रात भर इसके बारे में सोचिए. ओके अभी बता दे क्या बता दे. सो रूप गोस्वामी हैज गिवन डेफिनेशन ऑफ लव एज लव इज दैट थिंग विच विल सीम. लव इन ए रिलेशनशिप, अगर रिलेशनशिप में प्रेम है अभी पता चलेगा, लगेगा कि टूटने वाला है, बस टूटने वाला है, बस पूरा टूटने वाला है, और टूटेगा नहीं. Then there is love. That is the definition of love. It will go to the extent that सब बोलेंगे क्या इनका तो पूरा डिवोर्स हो जाएगा, फिर कुछ होगा ही नहीं, बस होगा पूरा गर्जन आएगा, गर्जन आएगा, फिर सब कुछ ठीक है सब फिर. This is the definition of love by Srila Rupa Goswami. मेरे को पता नहीं, but you all can understand it better. But the definition of love is, it is about to get lost, but it will never get lost. That means there is love. So for all of us to remember and see the good qualities in others, appreciate the good qualities, give a good experience to them, and live a life of dedication in the relationship. No good without God. हम अगर अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं तो भगवान के संस्पर्श में हमको आना पड़ेगा. जब तक हम भगवान को याद नहीं करेंगे, भगवान के दिव्य नामों को उच्चारण नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में अच्छे गुण पैदा नहीं होंगे. सो इन ऑर्डर टू रिमेंबर द गुड क्वालिटीज, इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द गुड क्वालिटीज, इन ऑर्डर टू गिव अ गुड एक्सपीरियंस, एंड इन ऑर्डर टू लीव अ लाइफ ऑफ डेडिकेशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रेगुलरली रिमेंबर लॉर्ड्स होली नेम बाय चैंटिंग Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we, if we chant these holy names of the Lord, so I'll have to repeat after me. Asesa Sanklesha Shamam Vidhate. Asesa Sanklesha Shamam Vidhate. Asesa Sanklesha Shamam Vidhate. Asesa Sanklesha Shamam Vidhate. Gunanuvadat Sravanam Murare. पुनर्त्वश्चरणारविन्दे पराग सेवा रतिरात्मलब्धा पराग सेवा अशेष संक्लेश शमं विधाते. अनेक अनेक अनलिमिटेड क्लेश का तुरंत नाश हो सकता है केवल भगवान का श्रवण मात्र से, गुण और कीर्तन के श्रवण मात्र से सारे जीवन के कष्ट निवारण हो सकता है. तो अगर कोई भगवान का सेवा में लिप्त है तो उसका जीवन में क्या कष्ट होगा, सुखदेव गोस्वामी ऐसे बताते हैं. तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भगवान के साथ अपना रिश्ता जोड़ें. जब हम भगवान के साथ हम रिश्ता जोड़ेंगे, भगवान हमको सिखाएंगे कि दूसरों के साथ कैसे रिश्ता निभाया जाता है,
क्योंकि हम भगवान के साथ अच्छा रिश्ता नहीं निभा रहे हैं, इसीलिए हमारा दूसरों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं रहता है। No good without God। अगर हम भगवान के साथ रिश्ता अच्छे से नहीं निभाएंगे, हम दूसरों के साथ रिश्ता नहीं निभा सकते। तो summarize, we started with D. D stands for dedication. So we keep our responsibilities first and rights last, later. So this is first. And happiness is a byproduct. It's not a product in the retail outlet of life. So this is first. Second is E. Even if we have full dedication, सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, सब तुम्हारे लिए, पूरा जीवन तुम्हारे लिए, but आपका जवान अगर सही नहीं किया, if you don't package that dedication with good experience of good words, and you use your tongue to break the hearts and break the bones, then it is not going to help. E stands of experience. You have to package it with experience. But if we do not control our behavior, then how that situation will come when khan will happen on the students and the relationship is about to break and it doesn't break. How yes. That point will come without that. So we don't have to externally bring that point. That point will come, but it is very important that someone khankhan hoga, awaaz hoga, but agar dono awaaz karne lag jayenge, wo pura toot jayega. Ek awaaz kar raha hai, ek ko chup rehna padega. Balance karna. Koi problem ho, kabhi-kabhi aisi problem ho jati hai ki ek ko hamesha hi chup rehna pad jata hai aur ek hamesha awaaz karta hai. Yes. So my Guru Maharaj used to say, yes. My Gurudev used to say, if kisi ko agar दो लोगों में किसी को अगर नम्र बनना है, क्यों ना मैं बनूं? क्योंकि जो नम्र बनता है उसको ज्यादा कृपा मिलता है भगवान का। So A stands, okay, let me complete and then. So E stands of experience. So शांति से सौंदर्यता अच्छा है, और सौंदर्यता को करने के लिए थोड़ा आवाज को सहना पड़ेगा. And next A is appreciation, which is the currency of relationship. अगर आप appreciate नहीं कर रहे हैं, तो आपके रिश्ता का बैंक अकाउंट खाली है. तो उसको भरने के लिए आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, और अच्छा चीज देखिए, मधुमक्खी बनिए, मक्खी मत बनिए. मक्खी बनना बहुत आसान है, कलयुग में सब मक्खी मंडरा रहे हैं, इंटरनेट में मक्खी भरा हुआ है, गूगल में डालिए, अच्छा चीज कम आएगा, खराब चीज ज्यादा आएगा. मतलब जो लोग भर रहे हैं गूगल में वो भी मक्खी है, जो लोग देख रहे हैं वो भी मक्खी है. So, पूरा मक्खी भरा हुआ है, उस मक्खियों के बीच में आपको मधुमक्खी बनना है, इसीलिए आपको भगवान का नाम लेना है. You understand? पूरा ग्रुप मक्खियों का है, उसके अंदर आपको मधुमक्खी बनना है. You have to remember the Lord, जो शुद्ध है, भगवान को पाप छू नहीं सकता है, और अगर हम भगवान के संस्पर्श में रहेंगे, हमको भी कभी पाप छू नहीं सकता है. हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच. श्री प्रभुपाद की जय. वी हैव 2-3 मिनट्स ऑफ कीर्तन एंड देन वी एंड. ओके. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Krishna Krishna